बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रदेश में होने वाली आगामी विधान परिषद 2022 के लिए 9 नामों की घोषणा की है। बता दें कि पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस ठाकुर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे, मुकेश वर्मा को विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं भाजपा की लिस्ट आने के बाद यूपी डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा विकास की राजनीति करती है। वहीं कानपुर हिंसा के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। किसी भी स्थिति में कानून तोड़ने वालों को सड़क पर निकलने की इजाज़त नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन तैयार है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। ज्ञानवापी में जांच की धमकी मिली है, सर्चने की धमकी मिली है, गृह विभाग को पत्र लिखा है। आप जो भी सूचना दे रहे हैं, चूंकि ये गोपनीय है और सरकार उनकी जांच करा है, उत्तर प्रदेश राज्य अब लोग सुरक्षित हैं और किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सब लोग सुरक्षित रहें और जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmtnewsflash।